हेलो जय जगन्नाथ। मैं सुमन वेलकम कर रही हूँ मेरे चैनल इट्समी को। मैं मेरी थोड़ी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं ओडिशा से हूँ, बेसिकली मैं मुंबई में रहती हूँ और अभी थोड़े दिन के लिए मेरे हस्बैंड के साथ जर्मनी आई हूँ। मैं ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या है और इसमें क्या क्या दिखाने वाली हूँ मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। तो अभी 5-6 महीना हो गया हम सब घर पे है। मैं भी जॉब छोड़ के घर पे ही थी तो मैंने कुछ कुछ खाना बनाती थी और उसका फोटोज़ में स्टेटस में व्हाट्सएप स्टेटस में रखती थी, फेसबुक में डालती थी। तो सारे फ्रेंड्स रिलेटिव इवन मेरी मम्मी हमेशा मुझे मजाक करते थे, बोलते थे कि तू इतना सारा खाना बना रही है, सब वीडियो बना रहे हैं, तू वीडियो क्यों नहीं बना रही है। तो मैं तो बहुत सारे चीज़ मजाक में लेती थी। अभी यहाँ जर्मनी आने के बाद यहाँ पर अचानक इतनी ठंडी हो गई, हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो घर पे भी दिन भर में पढ़ाई नहीं कर सकती। तो मैं कुछ ना कुछ खाना देख के हर स्टेट का जो ऑथेंटिक चीज़ मैं बनाने के लिए ट्राई करती हूँ जो फेमस है। तो मैंने सोचा कि ये सारे जो भी फ्री टाइम में मैं कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, उसका वीडियो क्यों नहीं बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ और इसमें मैं कम इंग्रेडिएंट में कुछ कुछ चीज़ बनाने के लिए ट्राई करूँगी। जो जितना सामान मेरे पास है उसी में ही मैं ट्राई करूँगी कुछ कुछ खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं ओडिशा से हूँ और सारे ओडिया लोग का जो सबसे फेवरेट डिश है डालमा। मैंने सोचा कि मैं डालमा से क्यों ना स्टार्ट करूँ मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो। ये डालमा जो है ओडिशा के हर किसी के घर पर एक टाइम होती है दिन में। तो ये डालमा के पीछे बहुत सारे स्टोरीज लोग बताते हैं और मेरे पास भी एक स्टोरी है, वो मैं खाना बनाते हुए आपको वो स्टोरी आपको बताती हूँ। और वो जो डालमा जो है उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी मैं दिखाऊंगी। उस पर आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। चलो फिर हम डालमा बनाते हैं और वो स्टोरी के साथ। अभी हम डालमा का प्रिपरेशन करते हैं। ये जो प्रेशर कुकर है इसमें मैंने 2 कटोरी पानी मैंने बॉईल के लिए रख दिया है। और ये जो सारे चीज़ चाहिए ये एक्चुअली तड़का के लिए चाहिए। तेज पत्ता अभी मैं पानी में डाल दूँगी और थोड़ा सा कुटा हुआ जो अदरक है वो भी मैंने पानी में डाल दूँगी। और ये जो अदरक का टुकड़ा है और ये रेड चिली, ग्रीन चिली और ये पंचफूरन, इसमें 5 चीज़ रहती है एक्चुअली, राई, जीरा, मेथी और सौंफ, ये सब है। ये लास्ट में तड़का के टाइम में मैं दिखाऊंगी। तो इसमें से अभी मैंने ये जो बे लीव्स है, जो तेज पत्ता है, उसको पानी में डाल दूंगी और ये जो कुटा हुआ अदरक है इसको भी मैं पानी में डाल दूंगी और इसको अभी बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और उसमें मैं अभी डालूंगी इतना सा हल्दी, लाइक 1 टीस्पून, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, जितना आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली डालें। ये एक्चुअली ज़्यादा लगता नहीं है नमक, सो मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। और इसमें मैंने 1/2 कटोरी जो तूर डाले वो मैंने भिगा के, धो के भिगो के रखा है। और आप इसके जगह पे मूंग दाल ले सकते हैं, चना दाल ले सकते हैं और मसूर दाल ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो ले सकते हैं। और मैंने जो वेजिटेबल अभी कट किया है ये मैंने बैंगन कट किया है और पम्पकिन कट किया है और गाजर कट किया है, अरबी कट किया है और कच्चा पपया, आलू और ये टमाटर में बॉईल के लिए इसके साथ ही डाल दूंगी, तड़का में मैं नहीं लगाऊंगी। ये सब मैं अभी डाल दूंगी और अभी इसको ये पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पानी बॉईल होगा तब ये सारे वेजिटेबल उस पर हम डालेंगे। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि इसके पीछे एक स्टोरी है, राइट। इसमें स्टोरी क्या है, जो पहले टाइम में जो ओडिशा के जो ट्राइबल लोग होते थे वो क्या करते थे, उनके पास जो खेती होती थी बैंगन, पम्पकिन और जो भी उनके खेत में जो चीज़ होती थी वो लोग क्या करते थे, उसको ऐसे चने दाल के साथ बॉईल करके और उसमें घी में तड़का लगा के और उसके साथ स्टीम राइस और घी का अलग सा कटोरी में और ग्लास में घी और उसके साथ जो भी पत्ते वाले सब्जी होते हैं, लाइक पालक हो गया, ऐसा जो पत्ते वाले सब्जी होते हैं उसको ओडिया में साग बोलते हैं, तो उसको जगन्नाथ, लड़ जगन्नाथ को वो ऑफर करते थे।
और वो लोग उनको पहले नीला माधव बोलते थे। तो वो हो गया ये जो स्टोरी है उसके पीछे, वो सबके लिए स्टोरी होगा क्योंकि मैंने अभी बताया एक स्टोरी जैसा, तो वो सबके लिए स्टोरी है। बट ये मेरे लिए ओडिया, सारे ओडिया के लिए, ओडिशा के सबके लिए ये एक इमोशन है क्योंकि हम लोग बचपन से इसको मिल पे लेते हुए आए हैं। और फिर ये जैसे मैं बता रही हूँ, पहले ये भगवान को प्रसाद के लिए चढ़ाते थे और उसके बाद सबको सर्व करते थे। तो ये ओडिया के लिए एक बहुत स्पेशल और सबसे जो इम्पोर्टेंट कुजिन है ओडिशा का। यही है उसके पीछे स्टोरी। और बहुत सारे लोग बहुत टाइप के बात बोलते हैं, ये तो मुझे यही पता था। तो देखते हैं, ये इसको थोड़ा हाई फ्लेम में रख देते हैं, थोड़ा बॉयल आ जाएगा सब, तब मैं ये सब डाल दूंगी। और ये बहुत सिंपल है इसीलिए इस पे आप ऑनियन भी तड़का के टाइम में यूज कर सकते हैं, बट मैं यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैं बोली है ओडिशा में पहले भगवान के लिए प्रसाद के हिसाब से लग रही थी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आज विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला बना रही हूँ। और ऐसे भी अभी कार्तिक महीना चल रही है तो मैं ये मंथ तो सिर्फ भेज भेज वाले चीज ही बना के दिखाऊंगी, उसके बाद नॉन वेज के बारे में सोचेंगे। देखते हैं आप लोग कैसा लगेगा ये। अभी इस पे बॉयल आ गया है, सारे वेजिटेबल को डाल देते हैं। और इस पे आप और भी कुछ वेजिटेबल आपके पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसमें से जो आपको नहीं पसंद है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें जितने टाइप का वेजिटेबल डालेंगे उतना ही अच्छे लगते हैं ये। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डाल हो जाएगा तड़का लगाने के बाद, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जीरा, जो रोस्ट किया हुआ, घर पे रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर डाल दोगे ना, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाती है। वो आप वेजिटेबल तो आपके पसंद के हिसाब से डालोगे। अभी ये मैं इसको एक दो सीटी के लिए छोड़ दूंगी कवर देके, फिर मैं आपको तड़का का प्रोसेस बताती हूँ। अभी ये परफेक्टली कुक हो गया है, जैसे मैं चाहती थी वैसे ही हो गया है। और अभी मैं एक पैन गरम कर रही हूँ और उस पे मैं ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मुझे घी इतना पसंद नहीं है। आप लोग इसमें घी डाल सकते हो और घी में इनफैक्ट ज़्यादा टेस्ट आएगा। और अभी ये ऑयल को गरम होने देते हैं और इसमें मैंने जीरा आई मीन रोस्ट कर दिया है। और इसमें इसको मैं इसी में ही बेलन में ही उसको मैं थोड़ा चूर दूंगी क्योंकि मुझे इमीडिएट रोस्ट करके इमीडिएट उसको पाउडर बना के डालने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उसी हिसाब से करूँगी। अभी गर्म हो गया, मैं पहले इस पे जो पंचफूरन ले लिया है ना उसको पहले मैं डाल दूंगी। अगर आपके पास पंचफूरन नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा राई डाल सकते हो। और फिर इसमें मैं वो जो ड्राई चिली, वो ग्रीन चिली, अदरक सब मैंने डाल दिया। और यहाँ पे आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है। और इसके लिए ना ओडिशा में एक स्पेशल डालमा मसाला मिलती है, बट इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल थोड़ा, अगर आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा दाल फ्राई जो मसाला है ना थोड़ा सा इसमें डाल सकते हो, तो ये अच्छे से वैसे फ्राई हो जाएगा। इसका मैं एक अच्छा तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आप क्या करोगे, आप ना इसको डायरेक्ट जाके इसके अंदर वो तड़का को डाल के ना इमिडिएट उसको कवर कर देना, ताकि वो जो तड़का है ना उसका फ्लेवर अच्छे से पूरा डालमा में आ जाए। तो अभी मैं क्या करूँगी, मेरे पास है थोड़ा दाल फ्राई मसाला, तो मैं उसको थोड़ा सा डाल दिया। और मैंने सीम में रखा है क्योंकि मैं पाउडर डाल रही हूँ, तो उसको इमीडिएट बंद करके अभी इसमें डाल देना है। ये जो आवाज आ रहा है ना चाय करके, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। और इसको इमीडिएट कवर कर देना है, इस पे पूरा उसका जो फ्लेवर है ना, इस पे पूरा तड़का का फ्लेवर इसी में आ जाएगा। और फिर उसको थोड़ा टाइम रखने देते हैं, फिर उसको
और दूसरे बॉल में निकाल के उसके ऊपर जीरा पाउडर स्प्रिंकल करना है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए तड़का के बाद इसका लुक ऐसा है। मैं निकालती हूँ एक बॉल में, ये देखो अभी जो मैंने जीरा रोस्ट किया था। घर पे तो ऐसे ही करते हैं, लाइक एक चूल्हा में चपाती बना रहे हैं और साइड में डालमा बन रही है, और जैसे चपाती बन के हो जाता है तो थोड़ा वो तावा में जीरा को रोस्ट कर देते हैं और उसी बेलन में ऐसे ऐसे करके फिर उसको डालमा के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ये फ्रेशली रोस्ट किया हुआ जो जीरा पाउडर को उसके ऊपर डाल देते हैं, और थोड़ा धनिया पत्ता, ये हो गया रेडी डालमा। आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं, ये देखिए ये हो गया डालमा और इसके अंदर सारे वेजिटेबल है। ये बहुत ही न्यूट्रिएंस है, आप अगर खुद सोचेंगे ना, सारे टाइप का वेजिटेबल है और जो भी दाल आप डाल रहे हो, और ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही क्या बोलते हैं न्यूट्रियस डिश है। सो ये टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और सारे मेरे ओडिया फ्रेंड अभी देख के बोलेंगे तुझे ये मिला था फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए, ये तो हम सबको पता है। बट लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जो नॉन ओडिया दोस्त है, उन सबके लिए मैंने बनाया, और काइंडली ये ट्राई कीजिए और आई एम श्योर ये आपको अच्छा लगेगा और ये आप बार बार बना के खाओगे, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है, उसमें कुछ मसाला नहीं है, कुछ नहीं है। स्टिल ये मसालेदार सब्जी से भी बहुत टेस्टी है, और इसको आप चपाती के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, किसी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ ट्राई कीजिए। ये था मेरा डालमा प्रिपरेशन, होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और मेरे पास जितना वेजिटेबल था मैंने उसी में ही ये डालमा प्रिपेयर किया, और इसके लिए कुछ भी स्पेसिफिक वेजिटेबल नहीं चाहिए, जो आपके पास है उसी में से आप बना सकते हैं। इसमें से कुछ आप स्किप भी कर सकते हैं और कुछ ऐड भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है एंड में तड़का लगाना, और डालमा के ऊपर जो मैंने जीरा पाउडर स्प्रिंकल किया, फ्रेशली रोस्टेड जीरा पाउडर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये आप बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा। ये ओडिशा का सबसे सबका फेवरेट, सबसे जो फेमस ओडिया कुजिन है वो मैंने बना के आपको दिखाया। और मेरे चैनल के लिए हिंदी लैंग्वेज इसीलिए चूज किया है क्योंकि मैं ओडिशा स्टेट का भी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगी, दूसरे स्टेट के बारे में भी बात करूँगी, तो ये कॉमन लैंग्वेज रखने से सबको सबके बारे में पता चलेगा। तो ये मेरा रीजन था हिंदी लैंग्वेज चूज करने का, और ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को आप दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए शेयर करने के लिए। थैंक यू, जय जगन्नाथ।